हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, आपका प्रोज में थर्ड चैप्टर चल रहा है, द आंट एंड द ग्रास ऊपर, चीटी और टिड्डा। इसमें आपने दो सेगमेंट पढ़ लिए हैं, दो टर्न पढ़ लिए हैं। थर्ड टर्न आज आप पढ़ोगे। कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, तो ध्यान से पढ़िएगा। टॉम वंस टॉम वेंट टू प्रिजन, एक बार टॉम जेल गया। जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट, इस बात से बहुत जॉर्ज परेशान था। ही वॉज वेंट इन टू द होल इन डिस्क्रेडिबल अफेयर, वो इस पूरे मामले के अंत तक जाता है। रियली टॉम हैड गॉन टू फॉर, अब सचमुच टॉम बहुत दूर चला गया है। ही हैड बीन वाइल्ड फॉर, जंगली हो गया, थॉट विचारशील हो गया है, सेल्फिश और स्वार्थी हो गया है। बट ही हैड नेवर नेवर बिफोर डन एनी थिंग डिसऑनेस्ट, परंतु आज तक उसने बेईमानी नहीं की थी। बाय विच जॉर्ज मीन लीगल, यही इसी बात से जॉर्ज को ये लीगल लगा। एंड इफ ही वर प्रोसिक्यूटेड, अगर उस पर केस चलाया जाता, ही वुड एज्योरली बी कन्विक्टेड, तो वो सचमुच अपराधी बन जाता। बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू जेल, परंतु आप अपने अकेले भाई को जेल नहीं जाने देना चाहते। द मैन टॉम हैड चीटेड, जिस आदमी के साथ टॉम ने धोखेबाजी की थी, कॉल्ड क्रेंचो, उसका क्रेंचो नाम था, क्रेंचो नाम था, विंडिक्टिव, जो विरोध बदला लेने के लिए आतुर था। ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक द मैटर इन टू द कोर्ट, वो इस मामले को अदालत तक ले जाना चाह रहा था। टॉम वॉज स्काउंड्रल, टॉम बहुत जंगली हो गया था, बट ही शुड बी पनिश्ड, परंतु उसे सजा मिलनी चाहिए। इट कॉज जॉर्ज एन इंटरनाइट डील ऑफ ट्रबल टू द 500 पाउंड सेटल द अफेयर, इस मामले को ख़त्म करने के लिए टॉम को 500 पाउंड खर्च करने पड़े। आई हैव नेवर सीन हिम इन अ सच अ रेज आ वेन ही हर्ड टॉम क्रॉन्चो एंड हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मोंटी कार्लो, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद टॉम और क्रॉन्चो को साथ साथ मोंटी कार्लो के जुए घर में देखा गया, मोंटी कार्लो के गैम्बल हाउस में देखा गया। मोंटी कार्लो जो है वो इटली का एक बड़ा जुआ घर है। द मोमेंट दे कैस्ट द चेक, और जो जॉर्ज से उन्होंने चेक हड़पा था उसे कैश किया दोनों ने, दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने एक बहुत दोनों ने बहुत खुशी खुशी एक महीना बिताया। इस बात से ये मतलब निकलता है कि दोनों ने प्लान बनाकर अपने भाई जॉर्ज को धोखा बनाया था, धोखा दिया था धोखे में। फॉर 20 ईयर्स टॉम, 20 साल तक टॉम रेस्ट, जुआ खेला, गैम्बल्ड, घुड़सवारी में पैसा लगाया, फ्लर्टेड विद द प्रीटीएस्ट गर्ल, सुंदर लड़कियों के साथ डांस किया, एट इन मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, महंगे महंगे भोजनालयों में खाना खाया, एंड ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, ऐसा लगता था बस वो घर से निकलने ही वाला है। दो ही वो 60, यद्यपि वो 60 साल का था, यू वुड नेवर हैव टेकन हिम मोर देन 35, पर फिर भी आप उसे 46 का था, वो 46 का 46 का था, परंतु आप उसे 35 से ज़्यादा का नहीं कहते। ही वॉज अ मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला साथी था। एंड दो ही यू नो ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, और वो पूरी तरह से अयोग्य था, यू कुड नॉट बट एन्जॉय हिज सोसाइटी, आप नहीं भी चाहते तो भी उसका साथ पसंद करते। ही हैड हाई स्पिरिट्स, उसके बहुत ऊँचे ऊँचे ख्वाब थे, एंड अनफेलिंग गेटी एंड अनक्रेडिबल चांस, और अपने आप को उसने बहुत अच्छा सुंदर बना रखा था। आई नेवर ग्रेट ग्रूडिड द कंट्रीब्यूशन ही रिकॉर्डेड रेगुलरली लीव ऑन मी, मैं कभी मना नहीं कर पाया वो थोड़े थोड़े पैसे जो मुझसे लिया करता था फॉर नेसेसिटी, ज़रूरत के लिए ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। आई नेवर लेंड हिम 50 पाउंड्स विदाउट फीलिंग, मैंने उसे 50 पाउंड्स कभी भी ये महसूस करके नहीं दिए कि मुझसे मिलने वाले हैं, दैट आई वॉज इन डेब्ट, और हमेशा ये सोच के दिए कि मेरा उस पर कर्जा है, उसका कर्जा मेरे ऊपर है, मुझे देना है। टॉम रैमजे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रैमजे, हर एक टॉम रैमजे को जानता था और टॉम रैमजे की हर एक को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट लाइक हिम, आप नहीं चाहते तो भी आप उसे पसंद करते, ऐसा वो झांसा देता था, लोगों को फंसाता था बेवकूफ़ बनाकर। पुअर जॉर्ज ओनली अ ईयर ओल्डर देन हिज स्क्रिबनर ब्रदर, बेचारा जॉर्ज अपने इस अभागे भाई से केवल 1 साल छोटा था, 1 साल बड़ा था, लुक्ड 60, यानी कि वो 47 का था, वो 46 का था, 35 का दिखता था, वो 47 का था, तो 60 का दिखता था। ही
हैड नेवर टेकन ए मोर फॉर्चुनेट हॉलीडेज इन ईयर ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। 25 साल सेवा करने के बाद, नौकरी करने के बाद उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली। ही वॉज इन ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30, 9:30 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाता था। नेवर टिल ही लेफ्ट इट टिल 6, और 6 बजे से पहले कभी भी नहीं छोड़ा। यानी काम के प्रति कितना परवाह वाला। ही वॉज ऑनेस्ट, ईमानदार था, इंडस्ट्रीज मेहनती था, वर्दी योग्यता। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी एक अच्छी पत्नी थी। टू हूम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन द थॉट्स, इसीलिए वो कभी भी उसके साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता था। सपने फॉर 4 डॉटर्स, टू हूम ही वॉज द बेस्ट फादर, अपनी 4 पुत्रियों का सबसे अच्छा पिता। ही मेड अ पॉइंट ऑफ हिज सेविंग ऑफ अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, उसने अपनी इनकम का तीसरा हिस्सा बचाकर सोचा था। प्लान है टू रिटायर 55, 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेगा। टू अ लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर बनाएगा कंट्री में। कंट्री इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके, वेर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन, जहाँ वो अपना बगीचा तैयार करेगा एंड प्ले गोल्फ, गोल्फ खेलेगा वहाँ पर। ही इज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, उसका जीवन आरोप रहित था। ही वॉज ग्लैड, वो खुश हो रहा था दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि वो बूढ़ा हो रहा है। बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू, क्योंकि साथ साथ टॉम भी तो बूढ़ा हो रहा था। ही रब्ड हिज हैंड एंड सेड, उसने अपने हाथ मले और कहा, परेशान ही है अभी, अभी परेशान है। अपने दोस्त WS मॉम को कहानी बता रहा है, किसकी, टॉम की। इट वॉज अ वेरी वेल वेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, बहुत अच्छी बात थी जब टॉम जवान था और अच्छा लगता था। बट ही इज ओनली अ यंगर देन आई एम, परंतु मुझसे केवल 1 साल ही तो छोटा है। इन 4 ईयर्स, 4 आगे के 4 सालों में ही विल बी फिट, वह भी 50 का हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ टू ईजी देम, उसके लिए ज़िंदगी अब इतनी आसान नहीं होगी। आई शेल हैव 30,000 पाउंड्स, मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे जब मैं 50 का हो जाऊंगा। फॉर 25 ईयर्स, जो मैंने 25 साल मेहनत की है। एंड टॉम हैड वुड एंड इन द गटर, और अंत में टॉम गटर में जाएगा, ऐसा सोच रहा था। कि वो सोच रहा था कि मैंने मेहनत से काम किया है तो मेरे पास पैसे ज़्यादा रहने चाहिए, मेरे पास रहने चाहिए, और टॉम को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सोच रहा था। पर वो उससे बहुत ज़्यादा चालाक था, उसने अपने प्लान कर लिया था इस चीज़ के लिए। कैसे कर लिया था देखिएगा, आइएगा आप, एंड वी शैल सी, तब हम देखेंगे कि काम करने का फ़ायदा होता है या फालतू बैठने का फ़ायदा होता है। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज, मुझे उसके लिए बहुत दया महसूस हुई। आई वंडर्ड हाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड्स हिम, जैसे ही मैं उसके पास बैठा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। वट इनफ्लेमस थिंग्स टॉम हैड डन, अब टॉम ने ऐसी कौन सी बात कर दी है, अजीब बात कर दी। जॉर्ज वॉज इविडेंटली वेरी मच अपसेट, इस बात से बहुत ज़्यादा जॉर्ज परेशान था, इस बात से परेशान कर था कि जीवन भर टॉम जॉर्ज को परेशान करता रहा, पैसे उससे लेता रहा। जॉर्ज जीवन भर मेहनत करके जवानी में ही बूढ़ा हो गया, 46 का था, 60 का लगता था, और उसके बाद केवल और केवल कितना बचा है उसने, 55 कितने, 35,000, 30,000 पाउंड बचाए, 30,000 पाउंड बचाए केवल। और देखिए अब फ्री में टॉम को कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं मिल करता था, अब देखिए उसे क्या मिलने वाला है, इस बात से परेशान हो गया था। भगवान का उल्टा न्याय देखिए। डू यू थिंक, डू यू नो वॉट हैपेंड नाउ, ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, तुम जानते हो कि अब क्या हुआ होगा। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैं सबसे बुरे के लिए तैयार था। आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, अंत में टॉम पुलिस के हाथ तो चढ़ गया, पुलिस के हाथों चढ़ गया। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, अब मुश्किल से ही गुस्सा आ रही थी, और मुश्किल से ही अपने ऊपर गुस्सा, ऊपर वाले के ऊपर गुस्सा, कि मुश्किल से ही बोल पा रहा था, उसके शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। हुआ क्या था देखिएगा, शायद आप भी हंसो, आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओ। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, अब अपनी अपना पक्ष रख रहा है मजबूती के साथ लेखक के सामने। हम कहते हैं ना, अपना रोना रोते हैं कभी कभी, शिकायत करते हैं किसी की, तो तुम जीवन भर ये नहीं सोच सकते कि आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैं हमेशा कठिन परिश्रमी रहा हूँ,
डिसेंट रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा काम के प्रति परवाहवान रहा हूँ। आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री थ्रिफ्ट, मैंने काफ़ी मेहनत से जीवन में काम करने के बाद जो हुआ वो बचाया। आई कैन लुक फॉरवर्ड एंड रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम गिफ्ट एज सिक्योरिटी, मैंने सोचा कि अपने थोड़े से पैसे बचाऊंगा अंत में थोड़े से पैसे बचाऊंगा। आई कैन लुक फॉरवर्ड रिटायरिंग ऑन ए स्मॉल इनकम, आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी। तुम इस बात के साक्षी हो कि मैंने अपना काम हमेशा समय से किया है, विच आई प्लीज प्रोविडेंस टू। अगर मैंने नहीं किया होता भगवान भी इसके लिए शायद मुझे माफ़ नहीं किया। सच बात है, तो लेखक का जवाब आता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एंड यू कैन नॉट डिनाई, और तुम ये भी नहीं अनदेखा करोगे कि टॉम हैड बीन आइडल, कि टॉम जीवन भर बेकार रहा है, वर्थलेस डिसोल्यूट एंड ऑनरेबल रोग, और हमेशा परेशान करने वाला रोग माने होता कमीना रहा है। इफ देर इज एनी जस्टिस, अगर कहीं न्याय की बात होती तो ही वुड बी एंड द वर्क हाउस, तो उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। ट्रू, सच बात है, दोनों बात के लिए सच निकलवा ली लेखक से, एक कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं काम करता हूँ, टॉम बहुत बुरा है, उसने कुछ नहीं किया। दोनों बात के लिए सच निकलने के बाद अब जॉर्ज ग्रू रेड इन फेस, जॉर्ज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पूछता, पता है क्या हुआ? अ फ्यू वीक एगो ही बिकेम एंगेज्ड अ वुमन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, कुछ दिनों पहले पता चला है कि टॉम ने अपनी माँ की उम्र से बड़ी एक स्त्री से मंगनी कर ली है, एंगेजमेंट कर ली है, नाउ शी डेड, अब वो मर गई, एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड, और जो कुछ उसके पास था वो सब टॉम के लिए छोड़ गई। पता क्या क्या छोड़ गई? मैंने 25 साल काम किया तो 30,000 पाउंड बनाए, और उसने कुछ काम नहीं किया तो उसे $500,000, 5 लाख पाउंड मिले, एक यॉट मिली है, एक पानी का जहाज जो कि कमा के देगा उसे, वन हाउस इन लंदन, एक बड़ा सा हाउस लंदन में, अ हाउस इज कंट्री, और एक बड़ा घर कंट्री में। मैं जो कंट्री में घर बनाने का सोचूंगा घर बनाने का, पर उसे घर पहले ही मिल गया, एक नहीं बल्कि दो, और एक कमाने वाला जहाज, और बैंक में पड़े हुए पाँच लाख पाउंड। यह है ऊपर वाले का न्याय। जॉर्ज रेमजे बीट हिज क्लिंक्ड फिस्ट ऑन द टेबल। अब जॉर्ज ने अपनी हथेली से मेज पर मारा। इट इज़ नॉट फेयर, ये न्याय नहीं है, आई टेल यू, मैं बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल न्याय नहीं है, भगवान का बिल्कुल न्याय नहीं है। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं क्या कर सकता था इसमें, बस्ट इंटू शाउट ऑफ लाफ्टर, हंसी से फूट फूट कर हंसने लगा। एज आई लुक्ड जॉर्ज ब्रेथफुल फेस, जैसे मैंने जॉर्ज का लुटा हुआ सा चेहरा देखा, और मैं हंसने लगा, मजबूरी में हंसने लगा क्योंकि हंसी आ गई, और मैं अपनी कुर्सी पे घूमता रहा, घूमने लगा और मुश्किल से ही मैं गिरते गिरते बचा। जॉर्ज, क्योंकि जॉर्ज ने अपना दुखड़ा सुनाया तो जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने सोचा कि मुझे वो जिसे मैं कहानी सुना रहा हूँ वो मुझे सराएगा ये मुझे सांत्वना देगा, पर वो तो और उल्टा हंसने लगा, इसलिए जॉर्ज ने मुझे कभी क्षमा नहीं किया। बट टॉम ऑफन आस्क मी एक्सलेंट डिनर इन द चार्मिंग हाउस इन द माई फेयर, परंतु टॉम ने मुझे कई बार अपने घर माई फेयर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और मैं गया, और उसके बाद भी उसकी मांगने की आदत कम नहीं हुई। इतना पैसे वाला होने के बाद भी मांगने की आदत कम नहीं हुई, तो मेरे लिए एक सोवेरियन से ज़्यादा नहीं होती, सोवेरियन जो कि एक बंद हो गई करेंसी। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, टॉम आंट एंड द ग्रास ऊपर, आपके 3 कंप्लीट हो गए चैप्टर। इसके साथ मैं इसकी एक्सरसाइज की PDF भेज दूंगा, आप तीनों चैप्टर कॉपी में नोट कर लेना, जब स्कूल खुलेगा तब आपको कॉपी चेक करानी पड़ेगी। ओके बच्चों, एक चैप्टर और हो जाएगा तो आपका हाफ अर्ली का प्रोज कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों।